नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, आज का दिन है डबल हेडर्स का दिन। जी हां, आज दो मैचेस खेले जाएंगे और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो आज का पहला मैच होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस गुजरात टाइटन्स के बीच दोपहर को करीब 3:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब दोनों टीमें एक दूसरे के साथ खेलने के लिए उतरेगी तो कैसी होनी चाहिए आपकी फैंटेसी की टीम, कौन से प्लेयर्स आपकी फैंटेसी की टीम में होने चाहिए, किन प्लेयर्स को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, मोहम्मद शमी, राशिद खान, लॉकी फर्गुसन या फिर अल्जारी जोसेफ, कौन बनेगा आपका गेम चेंजर, फिंच का और वेंकटेश अय्यर का क्या कुछ रहने वाला है। ये सारी चीजें आगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो विदाउट एनी सेकंड स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सको। गिवअवे के बारे में आपको अगेन बता दूं, आगे इस वीडियो में आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे और आप लोग जीत सकते हैं 20,000 रुपए। जी हां, आगे इस वीडियो में आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे, आपको उन तीनों सवालों के एक ही साथ जवाब देने हैं। जिसके सही जवाब होंगे उसको मिलेंगे 2,000 रुपए, यानी कि इसमें 10 विनर्स होंगे, जो टॉप 10 विनर्स होंगे उनको 2,000 रुपए मिलेंगे। कंडीशन सुन लीजिएगा, एक तो आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया होना चाहिए, बेल आइकॉन प्रेस किया होना चाहिए और वीडियो लाइक किया होना चाहिए और वीडियो जो है वो पूरा देखा हुआ होना चाहिए। लाइक करना भूल जाओ, इससे बेटर है कि आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि बाद में आप भूल जाओ और विनर बन जाओ और आपको प्राइज ना मिले, इससे बेटर आप अभी लाइक कर दो। अब जो क्वेश्चन है वो आपको आगे मिल जाएंगे। अब चलिए यहां से वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां से देखिएगा दोस्तों, कोलकाता वर्सेस गुजरात टाइटंस के मैच को लेकर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। दोस्तों फाइनल अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के आपको फायदे क्या होंगे, जो भी फर्दर रिपोर्ट्स, जो भी फर्दर अपडेट्स मिलती है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो फाइनल पिच रिपोर्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इनफैक्ट जो फाइनल टीम है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। अब वेन्यू को लेके बात करते हैं दोस्तों, डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में ये मैच खेला जाएगा, जहां पे अब तक काफी मैचेस है जो कि इस सीजन खेले जा चुके हैं। देखिए यहां पे जो पेसर्स है उनको कहीं ना कहीं मदद मिली है दोस्तों। डीवाई पाटिल स्टेडियम है ना, यहां पे अदर जो पिचेस है उसके कंपैरिजन में जो बाउंस है वो काफी ज्यादा है, जो उछाल है, जो पेस है वो काफी ज्यादा है और जो बाउंड्रीज की लेंथ है वो भी वानखेड़े या फिर पुणे उनके कंपेरिजन में काफी बड़ी बाउंड्रीज रहती है, एक तरफ से शायद 79 के करीब की बाउंड्रीज रहती है, तो हिटिंग पावर उतना है वो इजी नहीं होगा। आई थिंक अमंग द ग्राउंड खेलना ज्यादा बेनिफिट होगा, जो कि आपको पता है श्रीयश अय्यर वगैरह काफी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी थोड़ा-थोड़ा जो पिच है ना वो स्लो होता जा रहा है, बाकी आप देखोगे तो शुरुआत के मैचेस में यहां पे बढ़िया स्कोर्स बने थे। यहां पे ये आफ्टरनून का मैच था, यहां पे 193 रन बनाए थे राजस्थान ने, बाकी यहां पे देखिएगा ये भी एक आफ्टरनून का मैच था जो कि एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था, जहां पे चेन्नई की काफी बढ़िया बैटिंग लाइनअप थी, तो ये आफ्टरनून का मैच है, तो शायद आफ्टरनून का मैच है तो शायद आपको उस तरीके से है वो बड़ा स्कोर या फिर पेसर्स को उतनी मदद आपको देखते हुए ना मिले, क्योंकि जो आफ्टरनून के मैचेस होते हैं वहां पे पिच है वो थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करती है और कहीं ना कहीं बैट्समैन को वहां पे प्रॉब्लम रहती है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहां पे लास्ट के कुछ मैचेस देखोगे तो स्कोरिंग उतनी खास ज्यादा हुई नहीं है, यहां पे लो स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं। जी हां, यहां पे है वो लो स्कोरिंग मैचेस भी हुए, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिएगा पेसर्स ने यहां पे काफी ज्यादा डोमिनेट किया हुआ है, तो पेसर्स को यहां पे मदद मिली है, बट राशिद खान जो टाइप स्पिनर्स है, सुनील नारायण टाइप स्पिनर्स है, वो यहां पे अच्छा कर सकते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा। केकेआर की प्लेइंग 11, लेकिन उससे पहले माय 11 सर्कल, दोस्तों माय 11 सर्कल जो आपको आज का मैच फ्री खेलने का मौका दे रही है। जी हां, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो ना तो आप आज का जो मैच है ना वो फ्री में खेल सकते हो, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आप अपना जो पहला कॉन्टेस्ट है वो फ्री में खेल सकते हो, बस आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इनफैक्ट आपको फर्स्ट गेम तो फ्री मिलेगा ही, साथ ही साथ लिंक से डाउनलोड करोगे आपको
1500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा और उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यह भी आपके पास मौका है। साथ ही साथ आपको हर मैच में करोड़ों का प्राइज है वो माय 11 सर्कल दे रहा है, जहां पे कंपटीशन 10 गुना कम है। 10 गुना का मतलब समझते हो, एक तरफ 90 लाख टीमें, एक तरफ 10 लाख टीमें, तो इतना जो है ना वो कम कंपटीशन है माय 11 सर्कल पे। क्रेडिट की कोई दिक्कत है नहीं, आप मनचाहा प्लेयर है वो इजीली बना सकते हैं। सो भाई जल्दी से डाउनलोड कीजिए माय 11 सर्कल को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर उस लिंक से डाउनलोड करोगे और चैंपियंस के साथ अगर आप लोग खेलोगे, चैंपियंस को बीट करोगे, तो आपको 5 गुना ज्यादा कैश मिलेगा, 5 गुना ज्यादा कैश आपको मिलेगा 100 के बदले 500। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे कूपन कोड की ISSCM का यूज करते हो तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो इस माय 11 सर्कल जो फाइनल टीम है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो गाइस जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, माय 11 सर्कल को डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब देखिए यहाँ पे केकेआर की प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। केकेआर की प्लेइंग 11 में देखिएगा यहाँ से आरोन फिंच और सुनील नारायण जो कि लास्ट मैच में आए थे, जी हाँ लास्ट मैच में इनको एज ए ओपनर भेजा गया। अगैन अगर एज ए ओपनर आते हैं, क्योंकि वेंकटेश अय्यर कुछ खास कर नहीं पा रहे, तो शायद अगैन है वो सुनील नारायण का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे श्रेयश अय्यर, नीतीश राणा, आंड्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर जो काफी नीचे आए थे लास्ट मैच में, बट अभी इनको वापस एज ए ओपनर भी भेजा जा सकता है। उसके अलावा यहां से सेल्डन जैक्सन, शिवम मावी, पैट कमिंस, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, ये 11 प्लेयर्स आपको दिख सकते हैं। उमेश यादव और पैट कमिंस है जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, प्लस जो पैट कमिंस और जो आंड्रे रसेल है वो डेथ में गेंदबाजी करते हैं, जी हां वो डेथ में गेंदबाजी करते हैं, इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखिएगा। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, देखिए आरोन फिंच और सुनील नारायण, सुनील नारायण को एज ए बैट्समैन लेके आप नहीं चल सकते, बट अगर ओपनर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्कोरिंग करके दे सकते हैं। आरोन फिंच का लास्ट मैच काफी बढ़िया रहा था, यहाँ पे वेन्यू पे 25 का एवरेज है। देखिए आरोन फिंच के लास्ट के 2-3 सालों में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी रही है, क्योंकि इनको इन स्विंग से प्रॉब्लम रहती है और सामने वाली टीम में मोहम्मद शामी थोड़ी सी इनके लिए दिक्कतें कर सकते हैं। उसके अलावा सुनील नारायण है जो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेन्यू पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्रेयश अय्यर, दोस्तों श्रेयश अय्यर का आप लोग देखोगे कैप्टनसी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लास्ट मैच काफी बढ़िया रहा था, 85 रन किए थे और अभी तक सीजन के लास्ट के 2-3 मैचेस श्रेयश अय्यर के काफी बढ़िया रहे हैं। यहां से देखोगे तो हेड टू हेड तो देखिए ज्यादा खेले नहीं है यहां पे जो क्या नाम है श्रेयश अय्यर, क्योंकि टीम नहीं है। उसके अलावा वेन्यू पे 13 का एवरेज है, बाकी मुझे लगता है कैप्टनसी चॉइस रहेंगे, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वन डाउन बैटिंग करें। नीतीश राणा यहां से आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे, सेम चीज की आपको स्कोरिंग करके देंगे, लेकिन लगातार स्कोरिंग करके नहीं देंगे, दो मैच ड्रॉप, दो मैच फेल, एक मैच में स्कोरिंग, तो उस टाइप के ये प्लेयर है। यहां पे आप लोग देखोगे वेन्यू पे 10 का एवरेज रहता है, जो कि उतना खास नहीं है यहां पे नीतीश राणा का। उसके अलावा आंड्रे रसेल, दोस्तों आंड्रे रसेल जो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देके जा रहे हैं, जो आंड्रे रसेल आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों डेथ में आपको गेंदबाजी दे रहे हैं, तो अगर यहां पे जो केकेआर की टीम है वो पहले बैटिंग करती है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के दावेदार रहते हैं। वेंकटेश अय्यर का देखिएगा यहां से, अगर अगेन वो ओपनिंग करते हैं तो एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे, ये सीजन वेंकटेश अय्यर का कुछ खास रहा नहीं है, बट एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे जो क्या नाम है वेंकटेश अय्यर है, और मुझे लगता है आप अगर लेना चाहो तो आपका वहां पे गेम चेंजर बन सकते हैं वेंकटेश अय्यर। ये सीजन अभी तक केवल 150 जरूर निकली है, उस टाइम हमारी टीम में थे वेंकटेश अय्यर। सेल्डन जैक्सन एक चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं, हाँ केकेआर की टीम पहले बैटिंग करे तो ऑफकोर्स एक आधा ग्रैंड लीग में चांस दे सकते हो। शिवम मावी जिनको अच्छा खासा स्विंग यहां पे देखने को मिला था, शुरुआत में स्टार्ट में अच्छा स्विंग कर लेते हैं, तो ये भी एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे, शिवम मावी अभी तक तो उतना खास सीजन रहा नहीं है। पैट कमिंस जो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देके जा रहे हैं, स्पेशली अगर केकेआर की टीम पहले बैटिंग करती है तो कहीं ना कहीं लास्ट में इनको एक दो ओवर्स मिल ही जाएंगे बैटिंग को, और आपको 15-20 रन करके दे सकते हैं। यहां पे देखिएगा पहला मैच जब आए एंट्री काफी शानदार थी, लेकिन बाद में भीगी बिली निकली, उन्होंने अभी तक कुछ खास ऐसा कुछ किया नहीं है। उमेश यादव के शुरुआती मैचेस काफी बढ़िया थे, लेकिन लास्ट के 3-4 मैचेस देखोगे जहां पे हर मैच में इसको ड्रॉप करके जा रहे हैं, पूरी पब्लिक लेके जा रही है, तो उतना कुछ खास फॉर्म नहीं है, बट इस बीच में बाउंस काफी बढ़िया है, तो मे बी मुझे लगता है एक बढ़िया पिक आपके लिए बन सकती है। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, ये डिफरेंशियल पिक रहेगी, जो वरुण चक्रवर्ती है ये आई थिंक मुझे लगता है कि आप
आपके लिए बढ़िया डिफरेंशियल पिक बन सकती है वरुण चक्रवर्ती, इस पे चांस ले सकते हो। अभी तक सीजन कुछ खास नहीं रहा है, पिटाई काफी हुई है, बट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और कभी भी गेम में आ सकते हैं और आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो वेंकटेश अय्यर आई थिंक, मुझे लगता है आप सुनील नारायण की जगह लेके जाना चाहो, आप लोग जा सकते हो। बाकी यहां से बेंच पे कौन कौन है इनके आप लोग देख सकते हो। रिकॉर्ड्स जीटी की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, बट उससे पहले हमारे गिवअवे का पहला सवाल। दोस्तों हमारे गिवअवे का पहला सवाल ये रहेगा कि जो ये मैच है, इस मैच में जो शुभमन गिल है वो आपको कितने पॉइंट्स देने वाले हैं माई इलेवन सर्कल के लिए। जी हाँ, माई इलेवन सर्कल के लिए आपको जो शुभमन गिल है वो कितने पॉइंट्स देने वाले हैं, ये आपका पहला सवाल है। रिद्धिमान शाह, विजय शंकर, हार्दिक पंड्या वापसी कर रहे हैं, अभिनव मनोहर, डेविड मिलर, राहुल तेवटिया, राशिद अल्जारी, मोहम्मद शामी, लॉके फर्गुसन, ये 11 प्लेयर्स आपको दिखेंगे। मोहम्मद शामी और पांड्या पावर प्ले में गेंदबाजी, डेथ में फर्गुसन और मोहम्मद शामी, और यहां से अल्जारी जोसेफ भी डेथ में आपको एक दो ओवर्स करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां, मोहम्मद शामी का एक ओवर कम करके वहां पे है वो अल्जारी जोसेफ को ऐड किया जा सकता है, ये भी आपके लिए डेथ में गेंदबाजी करेंगे बिकॉज इनके पास पेस काफी बढ़िया रहती है। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, देखिए शुभमन गिल, शुभमन गिल का एक तो शुरुआत के एक दो मैचेस काफी खराब थे फिर बढ़िया दिखे, लेकिन लास्ट के तीन मैचेस से फ्लॉप हुए, बट आई थिंक मुझे लगता है कि केकेआर की थोड़ा सा जो बॉलिंग लाइनअप है शुरुआत का वो उतना खास नहीं है, तो वहां पे शुभमन गिल की इंपोर्टेंसी काफी बढ़ जाती है। वेन्यू पे इनका 10 का कुछ खास एवरेज रहा नहीं है। रिद्धिमान शाह आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे और मुझे लगता है एज ए ओपनर आ रहे हैं तो सैल्डन जैक्सन और रिद्धिमान शाह में से आपको रिद्धिमान शाह के साथ ही जाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज रहती है। विजय शंकर एक डिफरेंशियल पिक बन सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी की जब बात आती है तो उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है आपको ग्रैंड लीग में विजय शंकर को जरूर ट्राई करना चाहिए, विजय शंकर को जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहां पे सुनील नारायण और जो वरुण चक्रवर्ती है वो शायद इनके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। वेन्यू पे 2 का एवरेज रहता है। अभिनव मनोहर, यहां पे देखिएगा अभिनव मनोहर है जो कि आपको 2 डाउन या फिर आपको 3 डाउन दिखेंगे। अगर जल्दी विकेट्स गिरती है तो आपको डेविड मिलर ऊपर, सॉरी यहां पे जो मनोहर ऊपर दिखेंगे, अगर लेट विकेट्स गिरती है तो आपको डेविड मिलर दिखेंगे। इन्होंने भी अभी तक खासा इंप्रेस किया है, डेविड मिलर को भाई कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपना लास्ट मैच एकदम क्लीन स्वीप करवाया था, मतलब 25-30% सिलेक्शन में हम लोग इसको लेके चले थे और इन्होंने 94 नाबाद की अपनी टीम को जिताया, और आई थिंक मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। वेन्यू पे 22 का एवरेज है, बट हिटिंग करना इस स्टेडियम पे उतना इजी नहीं होगा, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। राहुल तेवटिया गेंदबाजी उतनी कर नहीं रहे हैं, तो मैं आपको अगर गुजरात की टीम पहले बैटिंग करे ग्रैंड लीग में एक आधा टीमें ले सकती हो, बाकी मैं आपको स्मॉल लीग में ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं राहुल तेवटिया को। उसके अलावा राशिद खान है जो आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देके जा रहे हैं, और आप ये क्या कमाल कर सकते हैं ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक मुझे लगता है इंपोर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अल्जारी जोसेफ, दोस्तों अल्जारी जोसेफ पेस काफी बढ़िया है, डेथ में गेंदबाजी आपको दे सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत बैटिंग दे सकते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है हर तरफ से आप देखोगे तो अल्जारी जोसेफ एक टीम मटेरियल प्लेयर है और आप इनको ले सकते हो। लास्ट मैच में ये 2 विकेट निकाल के आए हैं, पहले ही मैच में अपने 2 विकेट इन्होंने निकाली है। मोहम्मद शामी जो आई थिंक मुझे लगता है पावर प्ले में अच्छा खासा स्विंग मिल रहा है, तो मोहम्मद शामी यहां पे डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं। लॉके फर्गुसन इस पिच पे जो कि आई थिंक मुझे लगता है 7-8 विकेट निकाल चुके हैं लॉके फर्गुसन इसी स्टेडियम पे, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। आप लोग देख सकते हैं कि लॉकी फर्गुसन जो कि आपको डेथ में भी गेंदबाजी दे सकते हैं। जी हां, लॉकी फर्गुसन है जो कि आपको डेथ में भी गेंदबाजी दे सकते हैं। बाकी ये यश दयाल है, ये खेलेंगे नहीं, यहां पे आपको हार्दिक पंड्या है जो कि आपको वहां पे ऐड होते हुए दिखेंगे, और हार्दिक पंड्या यहां से खेलने वाले हैं, और हार्दिक पंड्या क्या कर सकते हैं, आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देके जा रहे हैं, तो इससे बेटर आपको क्या चाहिए, एक तो आपको 2 डाउन बैटिंग कर रहे हैं और एक आपको गेंदबाजी देके जा रहे हैं। यहां पे इस ये सीजन काफी बढ़िया रहा है, जी हां ये सीजन बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से बढ़िया रहा है हार्दिक पांड्या का। कैप्टेंसी मटेरियल रहेंगे, इंपॉर्टेंट कैप्टेंसी मटेरियल रहेंगे हार्दिक पांड्या, इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहां पे प्लेयर्स बैटल को देखोगे ना तो प्लेयर्स बैटल में सरयेश अय्यर का पहला नाम आता है, जो कि देखिए जिन्होंने ज्यादा स्ट्रगल किया नहीं है, वैसे एक तो मोहम्मद शामी के सामने थोड़ा स्ट्रगल किया है 18 में 12 एक बार आउट, उसके अलावा यहां से देखोगे तो राशिद खान के सामने स्ट्रगल किया है 77 में 83 के करीब का स्ट्राइक रेट, 2 मरतबा आउट राशिद खान के सामने स्ट्रगल किया है। उसके अलावा देखोगे लॉकी फर्गुसन को अच्छा खेले हैं, विजय शंकर ज्यादा गेंदबाजी करते नहीं है, हार्दिक पंड्या के सामने 1 विकेट है। आंड्रे रसल की बात करते हैं,
हार्दिक पांड्या ने आंड्रे रसल को एक बार, लेकिन यहां से देखोगे राशिद खान 28 बॉल में 48 रन, 3 बार आउट किया हुआ है राशिद खान ने, मतलब राशिद खान के सामने स्ट्रगल है। और आई थिंक मुझे लगता है आंड्रे रसल के लिए 1 से 2 ओवर हार्दिक पांडे, सॉरी यहां पे जो राशिद खान के वो बचाने चाहिए श्रेयस अय्यर को, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है वो फंसा सकते हैं उनको। उसको ला सबको काफी ज्यादा बढ़िया खेले हैं, उतना कुछ खास है वो है नहीं। मोहम्मद शामी की बहुत पिटाई की है, उसके अलावा यहां से आप लोग देखोगे अजिंक्य रहाणे की, तो आई थिंक मुझे लगता है खेलने के चांसेस काफी कम है और उतना कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सेम बिलिंग्स के भी खेलने के चांसेस है, बट आप लोग यहां पे स्टैट्स देख सकते हो। नीतीश राणा की बात करते हैं, देखिएगा हार्दिक पांड्या ने 2 बार आउट किया हुआ, 21 बॉल में 30 रन, 2 टाइम्स आउट। मोहम्मद शामी का ज्यादा मैचअप्स नहीं है, राहुल तेवटिया ने 1 बार, जयंत यादव ने 1 बार आउट किया हुआ है, उसके अलावा देखोगे राशिद खान ने 1 बार और शार्दुल ठाकुर जो कि यहां पे है नहीं। उसके अलावा देखोगे हार्दिक पांड्या का देखोगे भाई तो सुनील नारायण को अच्छा खेले हैं हार्दिक पांड्या, 30 बॉल में 49 रन। वरुण चक्रवर्ती 8 बॉल में 4 रन। टिम साउथी जो खेल नहीं रहे यहां पे, पता नहीं क्यों उनको मौका नहीं मिल रहा। उमेश यादव को अच्छा खेले हैं, आंड्रे रसल को अच्छा खेले हैं, पैट कमिंस को अच्छा खेले हैं। तो हार्दिक पांड्या अगर आप लोग प्लेयर्स बैटल में चलते हैं तो सबको बढ़िया खेल के आ रहे हैं। शुभमन गिल की बात करते हैं, शुभमन गिल का ज्यादा कुछ खास मैचअप्स है नहीं इस टीम के सामने, क्योंकि पहले केकेआर की तरफ से खेलते थे तो ज्यादा मैचअप्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं। रिद्धिमान शाह की बात करते हैं भाई, तो यहां पे 1 बार उमेश यादव ने आउट किया, बट उमेश यादव की पिटाई काफी की है, 55 में 89 साउथी ने किया है। उसके अलावा सुनील नारायण ने प्रॉब्लम किया, सुनील नारायण के सामने है वो वृद्धिमान शाह ने स्ट्रगल किया है, 3 मरतबा आउट कर चुके हैं। डेविड मिलर की बात करते हैं तो सुनील नारायण की अच्छी खासी पिटाई की है डेविड मिलर ने, नॉट पिटाई बट स्ट्रगल किया है, विकेट नहीं दिया अपने। यहां पे देखोगे शिवम माविक के सामने ज्यादा मैचअप्स नहीं है, टिम साउथी के सामने बढ़िया मैचअप्स है, 17 में 36, 200 का स्ट्राइक रेट है, बट उमेश यादव 39 में 54, 2 मरतबा आउट, और शायद ज्यादा आपको आपने सामने दिखे भी ना। आंड्रे रसल ने 3 बार 38 में 56, और ये मैचअप्स आपको देखने को मिल सकता है। मोहम्मद नाबी ने 1 बार, पैट कमिंस ने 2 बार, और ये मैचअप्स भी आपको देखने को मिल सकता है। पैट कमिंस के सामने डेविड मिलर ने स्ट्रगल किया है। मैथ्यू वेड की बात करते हैं, शायद मैथ्यू वेड को मौका मिले ना, क्योंकि अगर मैथ्यू वेड को खिलाना है तो अल्जारी जोसेफ को आउट करना पड़ेगा। पैट कमिंस ने 1 बार, आंड्रे रसल ने 2 बार आउट किया हुआ है, लेकिन पिटाई का काफी बढ़िया की है। टीम साउथी ने 1 बार और सुनील नारायण ने भी 1 बार आउट किया हुआ है, बट शायद मुझे लगता है मैथ्यू वेड को मौका ना मिले। सो गाइस ये थे प्लेयर बाय स्टेट्स, अब चलिए बात करते हैं आपकी टीम कैसी होनी चाहिए। विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे गिवे का दूसरा सवाल। दोस्तों हमारे गिवे का दूसरा सवाल यह रहेगा कि इस मैच में जो रिद्धिमान शाह है, इस मैच में जो रिद्धिमान शाह है वो आपको माई 11 सर्कल के लिए कितने पॉइंट्स देने वाले हैं। जी ये दूसरा सवाल है कि रिद्धिमान शाह आपको माई 11 सर्कल के लिए कितने पॉइंट्स देने वाले हैं, तीसरा सवाल आगे आएगा। यहां से सिंपल सी चीज है, हमें रिद्धिमान शाह को ही लेके जाना पड़ेगा अगर मैथ्यू वेड नहीं खेलते, क्योंकि सेल्डन जैक्सन बचते हैं, फिर तो आप लोग मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की बन जाएगा। रिद्धिमान शाह ओपन करें सेल्डन 6 नंबर पे। बैटिंग सेक्शन में देखिएगा श्रेयस अय्यर को मैं लेके चला हूं, शुभमन गिल फॉर्म उतना खास अभी तक दिखा नहीं है, लास्ट के 3-4 मैचेस में फ्लॉप दिखे, बट प्लेयर शानदार है। अब देखिए यहां से एक चीज बोलूंगा, ये प्लेयर है ना डेविड मिलर, नीतीश राणा, अभिनव मनोहर, आरोन फिंच, ये सारे के सारे प्लेयर काफी बढ़िया है, ये सारे प्लेयर काफी बढ़िया है, बट आई थिंक मुझे लगता है आप उतना ज्यादा है इनको फोकस ना करें। यहां से मैं एक चीज बोलूंगा कि डेविड मिलर और जो आरोन फिंच है इनमें से आप किसी एक के साथ जा सकते हो, नीतीश राणा उतना डिफरेंशियल आपके लिए पिक रहेंगे अगर लेना चाहो, 2 डाउन आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे। मैंने यहां से डेविड मिलर को लिया है बिकॉज शुरुआत में जो आरोन फिंच के लिए है वो मोहम्मद शामी थोड़ी सी दिक्कतें कर सकते हैं, जो मोहम्मद शामी है वो थोड़ी सी दिक्कतें कर सकते हैं, किसके लिए, आरोन फिंच के लिए, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आरोन फिंच लास्ट मैच इनका काफी बढ़िया रहा था, लेके जा सकते हो। शाही सुदर्शन में भी यहां पे अगर आना चाहे तो विजय शंकर की जगह शाही सुदर्शन आ सके, और आते ही सीधा है वो डिफरेंशियल पिक बन सकती है। बाकी यहां से मुझे लगता है कोई भी खेलेगा नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या अब एंट्री मार रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या, आंड्रे रसल, सुनील नारायण को मैं लेके चला हूं। अब देखिएगा वेंकटेश अय्यर, दोस्तों यहां पे जो आरोन फिंच है, वेंकटेश अय्यर है, दोनों ओपन कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है अगर ओपन करेंगे, आई होप कि सुनील नारायण से करवाई जाए, वेंकटेश से ना कराई जाए, तो भाई वेंकटेश अय्यर पे चांस ले सकते हो। इस मैदान पे जो है वो शायद बैट से रन निकले, क्योंकि ये आफ्टरनून का मैच है, ये दोपहर का मैच है,
है, तो शायद उतना स्विंग है वो गेंदबाजों को देखने को ना मिले। तो इसलिए बोल रहा हूं कि जो यहां पे है वो वेंकटेश अय्यर एक बहुत शानदार डिफरेंशियल पिक रहेंगे। राहुल तेवतिया काफी नीचे आ रहे हैं, प्लस गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। विजय शंकर एक वन डाउन का प्लेयर है, अगर आप लोग चांस देना चाहो अपनी टीम में, बट उतनी कंसिस्टेंसी दिखी नहीं है। स्मॉल लीग में अगर खेल भी जाएंगे तो आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बॉलिंग सेक्शन में उमेश यादव आपके लिए एक ऑप्शन बनते हैं, जिन्होंने पावर प्ले में काफी विकेट्स निकाली है, लेकिन लास्ट के कुछ मैचेस से अभी तक फ्लॉप रहे हैं। मैं राशिद को लेकर चलूंगा, मैं लौकी को लेकर चलूंगा, और मैं मोहम्मद शामी को लेकर चलूंगा, और यहां से मैं पैट कमिंस को लेकर चलूंगा। बाकी यहां से देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंशियल पिक, तो यहां से वरुण चक्रवर्ती मुझे काफी अच्छा दिख रहे हैं। जी हां, वरुण चक्रवर्ती है, वो मुझे काफी अच्छा दिख रहे हैं, तो वरुण चक्रवर्ती पे चांस ले सकते हो, वेंकटेश अय्यर पे चांस ले सकते हो। ये दो प्लेयर मुझे काफी बढ़िया एज फिलहाल दिख रहे हैं, तो ये मुझे लगता है काफी बढ़िया प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं। बाकी अलजारी जोसेफ आपके लिए एक ऑप्शन है, तो कंडीशन वाइज आई थिंक मुझे लगता है कि आप अगर टीम में इन्वॉल्व करना चाहो, जिन्होंने लास्ट मैच में दो विकेट निकाली है, तो इजीली आप लोग अपनी टीम में लेके जा सकते हो। कैप्टन वाइज कैप्टनसी को लेके बात करें, बट हमारे गिवे का तीसरा सवाल, दोस्तों गिवे का तीसरा सवाल ये रहेगा कि जो डेविड मिलर है वो इस मैच में कितने रन्स करने वाले हैं। जी हाँ, जो डेविड मिलर है वो इस मैच में कितने रन्स करने वाले हैं, इस सवाल का आपको जवाब देना है। ये तीन सवाल है, तीनों के सही जवाब दो, वीडियो को लाइक करो, और आप लोग जीत सकते हैं 20,000 रुपए। देख लिया कैप्टन वाइज कैप्टन से देखिएगा। फिर अगर देखिए इन्हीं दो में से मुझे लगता है ये तीन प्लेयर, देखिए श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, आंड्रे रसल, ये जो चार प्लेयर है इन्हीं को आप कैप्टन वाइज कैप्टनसी में रोटेट कर सकते हो। अगर केकेआर की टीम पहले बैटिंग करे तो यहां पे जो कैप्टनसी है वो आप लोग आंड्रे रसल को दे सकते हो, वाइस कैप्टनसी आप हार्दिक पांड्या को। अगर यहां पे जीटी गुजरात की टीम पहले बैटिंग करे तो कैप्टनसी आप लोग हार्दिक पांड्या को दे सकते हो, और आंड्रे रसल को आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। बाकी ऑप्शन में आपके पास शुभमन गिल है, जो कि एक डिफरेंशियल पिक रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, तो उस पर थोड़ा सा फोकस आप लोग कर सकते हो। बाकी ये इनिशियल टीम है, जो फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाइए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।